प्रदेश संभल जिले के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने गंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रभारी मंत्री ने तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने साफ कहा कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, यात्रा का भव्य स्वागत किया जाए, कहीं भी कोई लापरवाही सामने आई तो कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि गंगा यात्रा को लेकर बबराला बगीचा में 27 जनवरी को और 31 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा यात्रा लेकर दौरा करेंगे। जनपद बुलंदशहर के नरोरा से 29 जनवरी को संभल जिले के गुन्नौर क्षेत्र में गंगा यात्रा प्रवेश करेगी। जिला प्रशासन ने गंगा यात्रा को लेकर गुन्नौर इलाके के 22 गांवों को विकसित करने का काम शुरू करवाया है। गंगा के किनारे वाले गांव में गंगा चबूतरे, साफ सफाई, सड़कों की हालत सुधारने के साथ ही अन्य कार्य को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अगर गंगा यात्रा की तैयारियों में कोई कमी सामने आई तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा, संबंधित के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। देखिए संभल से संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है गंगा यात्रा का, क्या पूरा प्रोग्राम है, क्या रूप है ये? गंगा यात्रा का जो प्रोग्राम है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। हमारे देश के अंदर गंगा जी रहती हैं, बहती हैं, और उसको स्वच्छ और साफ बनाने के लिए हमारी पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने एक संकल्प लिया है कि गंगा को पूरी तरीके से साफ किया जाए, शुद्ध किया जाए। उसमें जितने भी गंदे नाले हैं वो नाले, कुछ नाले रुक गए हैं, बाकी जो रह गए हैं वो भी पूरी तरह से रोके जाएं। और गंगा के किनारे किनारे जितने भी गांव हैं उन सभी गांवों में अच्छा विकास होना चाहिए, बाग लगने चाहिए, बिजली आनी चाहिए, पूरी उनका विकास जो होता है इस प्रकार से होना चाहिए, घाट बनने चाहिए, कुछ घाट बन चुके हैं, कुछ घाट और बाकी बनने चाहिए, आवश्यकता के अनुसार वो भी बनाएंगे। ये हमारे देश की संस्कृति है, सभ्यता है, उसको दोबारा से फिर नई तरीके से लाने की ज़रूरत है समाज के अंदर, क्योंकि गंगा जी जो है मोक्ष दायिनी है और उसके लिए हमें सभी लोगों को पूरे मन से जो है इस कार्य को करने की आवश्यकता है। मैं भी अपने गुन्नौर विधानसभा में भी कुछ आने की संभावना दिखाई। संभल में और गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में गंगा के किनारे किनारे पर मंत्री जो लोग हैं वो रहेंगे और मुख्यमंत्री जी के आने की भी संभावना हो सकती है, तो उनका पूरा इंतजाम यहाँ पर किया जा रहा है। शासन प्रशासन पूरी तरीके से लगे हुए हैं इंतजाम करने। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।